हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। देखिए, आज मैं आपको आपके लिए कुछ सेट यहाँ पर लाया हूँ। मेरे ख्याल से इस सेट को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको गोधूली एग्जाम में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके पढ़ते हैं। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा काम माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, है अस्वाभाविक, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विष के दांत किस प्रकार की कहानी है? विष के दांत किस प्रकार की कहानी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक। क्या होगा? मनोवैज्ञानिक। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली। ऑप्शन क्या होगा इसका? काली हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल यहाँ पे है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? तो पांच का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत से हमने क्या सीखा। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा इसका मानव विज्ञान। क्या हो जाएगा? मानव विज्ञान। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? ओके, तो सेवन का देखिए आंसर क्या होगा। सेवन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पार्श्ववृत्ति। ठीक है, पार्श्ववृत्ति। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आठ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ठीक है, बहादुर निम्न में से किसकी कहानी है? तो नाइन का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाली पहाड़ी गोरखे की। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ठीक है, तो दस का आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, साहित्यिक साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। आविन्यू कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? ठीक है, आविन्यू कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई, इसको पढ़ लेते हैं, आविन्यू कहाँ का एक मध्ययुगीन इकाई ईसाई मठ है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, दक्षिण फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस। ओके, 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, मेरी कहानी मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, क्या नजर आ रही थी? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परछाई। ओके, क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। बिस्मिल्लाह खां किस प्रसिद्ध के लिए के प्रसिद्ध जो है वो है शहनाई वादक, है ना, शहनाई बजाने वाले। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन डी, हृदय की शिक्षा। क्या हो जाएगा? हृदय की शिक्षा, पर 15 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरि कीर्तन। किस क्या हो जाएगा? हरि कीर्तन। निम्न से रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो 17 का आंसर होगा प्रेम वाटिका। क्या हो जाएगा? प्रेम वाटिका। घनानंद की कविताओं की भाषा क्या थी? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बज्र भाषा। क्या थी? बज्र भाषित थी। 18 का आंसर ऑप्शन बी। किस्तान का अर्थ क्या होता है? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, किस्तान का अर्थ क्या है? सिख, है ना। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? आगे पढ़ते हैं तो आंसर इसका बी हो जाएगा, सिख, है ना। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कितने सिंहासन तैयार करने की बात की? तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 33 करोड़। ओके, हिरोशिमा किस देश में है? तो पढ़ता है, हिरोशिमा जो है जापान में है। ऑप्शन हो जाएगा 22 का, डी हो जाएगा। आत्मजयी किसकी रचना है? टैस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंवर नारायण। क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण। हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई? हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई? आंसर होगा दुष्चक्र से। क्या? दुष्चक्र में षष्ठ से, यानी कि 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा राइट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, 25वां सवाल देखते हैं। तो 25वां सवाल क्या बोलता है कि नलिन विरोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1918 को। 1918 को नलिन विरोचन शर्मा का, सॉरी 1918 नहीं, मैं गलती बोला, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो सॉरी, इसका आंसर नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 में। ठीक है, 18 इसका डेट है 18 फरवरी 1916। ठीक है, 18 फरवरी 1916 में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। ओके, चलिए, जित जित मैं निखरत हूँ किसकी रचना है? तो 26 का जो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, बिरजू महाराज। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि की रचना है? ओके, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके, रेनर मारिया,
नेक्स्ट पढ़ते हैं 28वां, मंगम्मा का उसकी बहू के साथ किसकी वजह से विवाद हुआ था। ओके तो 28 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोते ढहते विश्वास। हाँ ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है। ओके तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मी का पति। सीता के कितने बेटे थे, सीता के कितने बेटे थे, तो 30 सवाल है, 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 बेटे थे। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया जाता है वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं। ओके तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, व्यवहार व कुशल। नगर कहानी के लेखक कौन है, तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, नगर कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हो गया नगर कहानी के लेखक कौन है, सुजाता ऑप्शन इसका हो जाएगा। सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती है, तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, घुटन महसूस करती है ना, 33 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घुटन महसूस करती है। आगे पढ़ते हैं, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है, तो धरती कब तक घूमेगी ये सांवर दैंजा के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी। सुवर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, आपको पता है सुवर्ण वर्ण 11 होते हैं, ठीक है। घा का उच्चारण स्तर क्या है, तो जब घा बोलते हैं तो कंठ से आवाज घा, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। कौन सा शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, तो योग रूढ़ शब्द होता है क्या ना कि इसको आप यूँ बोल सकते हैं कि जब दो शब्द सार्थक शब्द मिलता है तो उसका माने चेंज, मतलब अर्थ चेंज होता है। पंचानन यहाँ पे क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द, पंचानन दशानन ये योग रूढ़ शब्द है। सोना बहुत चमकीला है, इस वाक्य में सोना कौन सा संज्ञा है, सोना तो ये क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक हो जाएगा, है ना, चूंकि नापा जाए तोला जाए, ऑप्शन हो जाएगा इसका अर्थ इसका सी। सर्वनाम के कितने भेद है, आपको पता है सर्वनाम के कितने भेद है, तो हम चुप पढ़ चुके हैं सर्वनाम के 6 भेद हैं। लीला घर जाएगी कौन सा वाच्य, देखिए मैं बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सही से बता रहा हूँ, ठीक है। वाच्य किसको बोलते हैं, वाच्य पहले समझिए, वाच्य जो हम लोग जो बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं वो सब वाच्य है। अब वाच्य के 3 तरह होते हैं, एक तो कृत्यवाच्य, एक कर्मवाच्य, एक भाववाच्य। तो कृत्यवाच्य को आपको मैं इंग्लिश में बोल दूँ, कृत्यवाच्य को एक्टिव वॉइस बोलते हैं, समझ रहे हैं, एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट होता है, मैं खाना खाता हूँ, सब्जेक्ट आ रहा। और कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस, इसमें काम करने वाला पता नहीं रहा है, गाड़ी चल रही है, कौन चला रहा पता नहीं है ना, आपको पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा पता नहीं। तो यहाँ पे है अभाव में, तो किसी का भाव होगा, वो खाता हुआ गया, है ना, वो पढ़ता हुआ गया, इस तरह से भाववाचक में इसका जो है अब बन सकता है, इसका एग्जाम्पल बनाएंगे तो इसका बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल यहाँ पे क्या आ गया, सवाल यहाँ पे ये आ गया कि लीला घर जाएगी, तो सिंपल सा लीला घर जाएगी, कौन जाने वाली है, लीला, तो पता चल रहा कि लीला घर जाएगी, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और भाववाचक अगर बोला जाए तो बोलते हैं ना कि मुझसे उठा नहीं जाता, है ना, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये सब होगा भाववाचक संज्ञा। वर्तमान काल के देखिए ये बड़ा पेचीदा सवाल है, किताब में बहुत सारे किताब में वर्तमान काल के 3 भेद देता है और बहुत जगह 5 भेद होता है, तो मैं बोलता हूँ जो ज़्यादा दे रहा है वही बेहतर रखें, क्योंकि हो सकता है जैसे होता है ना कि कम है फिर बढ़ता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है, मतलब नया चीज़ खोजा गया तो बढ़ जाता है, तो 5 भी भेद मानिए, ठीक है। अमृता यहाँ पे क्या बोला, अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, से आ गया करण, ने अंड ये कौन संधि है, आयादि संधि है, ओके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। डाली का बहुवचन क्या हो जाएगा, डालिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। जब डाली है ना दीर्घईकार, तो जब आप जब बहुवचन बनाते हैं तो हर्षईकार बन जाता है, ओके। चलिए ये जो चीज देख रहे हैं इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज का नाम है अर्धविराम, क्या नाम है, अर्धविराम नाम है, ठीक है। चांद का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, डी शशि, है ना। चंद्रमुख में कौन सा समास है, तो चंद्रमुख में जो है वो है कर्मधारय समास, क्या है, कर्मधारय समास। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है, गुदड़ी का लाल मतलब निर्धन परिवार में गुणी का जन्म, मतलब गरीब परिवार में एक अच्छा होनहार बच्चे को जन्म होना। पथ्य का क्या अर्थ होता है, पथ्य का अर्थ क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोगी का भोजन, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं नीचे लिखे शब्दों का कौन सा शब्द शुद्ध है, तो अतिथि लिखा, एक बार मैं मिस्टेक, अतिथि होता है तो मिस्टेक से लिखा हो, देखो यहाँ पे, तो आंसर यहाँ पे डी जो है वो शुद्ध लिखा हो, परिस्थिति। भारत माता किस कवि की रचना है, भारत माता किस कवि की रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत, इसको शॉर्ट कोड में पंत भी बोलता है,
ठीक है। पंत जी किस समय के कवि तो छायावादी, आंसर इसका ए राइट होगा, ठीक है। प्रेमधन ने रसिक समाज की स्थापना कब की, ओके, तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1874 में, ठीक है। अभी तक मैं जितना बताया हूँ सब के सब सही है। रसखान के चित्तचोर कौन है, चित्तचोर, तो 54 का हो जाएगा डी कृष्ण, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे हैं, देखिए बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था डुमराव में। देवनागरी किसे कहा गया, देवनागरी किसे कहा गया, तो काशी को कहा गया देवनागरी, है ना। 56 का क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। दधीची का अर्थ क्या होता है, पढ़ चुके हैं, इंद्र का वज्र, पक्का सवाल लगता कि आ जाएगा। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो 58 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी जर्मनी के। पप्पा पति कौन थी, तो पप्पा पति कौन थी, 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वल्ली अम्बाल की पुत्री। मदन ने काशु के कितने दांत तोड़े थे, तो ये तो पता है मदन ने काशु के 2 दांत तोड़े थे, ओके। ये हमारा सेट 1 कंप्लीट हुआ, आगे पढ़ते सेट 2। तो चलिए हम लोग दूसरा सेट पढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल पहला है, सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर किस कहानी का अनुवाद किया, किस किस कहानी का अनुवाद किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दही वाली बंगम्बा, है ना। चलिए, भारत से हम क्या सीखे, गद पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण कौन किया, आपको पता है मैक्स मूलर, ऑप्शन इसका सॉरी 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भवानी शंकर त्रिवेदी, ठीक है, भवानी शंकर त्रिवेदी। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी, तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदी नागरिकी, नंदी नागरिकी नागरी। देवताओं का के राजा इंद्र का वज्र किस मुनि की हड्डियों से बना है, तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी दधीची, है ना ऑप्शन बी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो पता है हिंदी भाषा की लिपि तो देवनागरी है, ऑप्शन डी। अमरकांत की कौन से कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई है, तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिप्टी कलेक्टरी, है ना ऑप्शन सी। परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विद्या, तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निबंध, क्या है निबंध है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक एकेडमी कहाँ है, तो ये है दिल्ली में, ओके। संतु का बाल कौन संवारता है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीदी, कौन दीदी। आवेडियो पाठ के लेखक कौन है, आवेडियो पाठ के लेखक कौन है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक अशोक वाजपेयी। आवेडियो किस नदी के किनारे, तो रोन नदी के किनारे, 52 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है ना, तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। सानाई बनाने में के लिए किस घास का प्रयोग करते हैं, तो पता नरकट का घास होता है उसका प्रयोग किया जाता है। आवेडियो क्या है, तो आवेडियो एक एक शहर है ना, तो 15 है ना, 15 का प्राचीन शहर क्या है, एक प्राचीन शहर है जहाँ रंगमंच वगैरह पड़े होंगे। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना गुरु ग्रंथ साहिब, क्या हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। कौन सी कीर्ति रसखान की नहीं है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ए प्रेम फुलवारी, बाकी सब है रसखान। घनानंद किस काल के कवि है, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल, ओके। प्रेमधन जी अपना आदर्श किसे मानते थे, तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है, तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम में। रामधारी सिंह दिनकर ने के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो 21 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी किसान मजदूर, है ना। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया, तो पता है अमेरिका ने गिराया था परमाणु बम, ऑप्शन नंबर डी। कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना ऑप्शन नंबर का जगह यह हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बी आर अम्बेडकर या बी आर नारायण किस कहानी के अनुवाद, किस कहानी का अनुवाद किया था, 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दही वाली बंगम्बा, ओके। तो आगे सवाल है, इसका आंसर हो गया दही वाली बंगम्बा। दैत्य विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, तो 25 है ना, 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा उड़ीसा, है ना ए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैत्य विश्वास कहानी कौन
स्वयंसेवी दल के साथ साग साथ सांग सांध बांध की मरम्मत में लगा हुआ है। 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुड विनय दी। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। मंगू किस कहानी के की पात्रा है? 28 का आंसर होगा सी। नगर किस भाषा की कहानी? नगर तमिल भाषा की है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा, तमिल भाषा की कहानी है। सांवरधैया किस भाषा के कहानीकार कौन है? कहानीकार है, किस भाषा के कहानीकार है? तो ऑप्शन नंबर भी राजस्थानी है ना, राजस्थानी। सीता के दो पुत्र थे, सीता के कितने पुत्र थे? ओ तो मैं पहले तीन पुत्र थे, ठीक है। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद में नींद बताता ये गफलत को है ना, गफलत को। लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा की गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धान। वनलता सेन किसका काव्य संकलन है? 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवनानंद दास। मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्वास करती है? तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कवि के कपोलों पर है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अक्षर ज्ञान खालिश बेचैनी किसकी है? तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खरगोश। मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसको क्या बोल सकते हैं? जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते है ना, तो आंसर होगा वर्ण को टुकड़ा नहीं कर सकते। जेठानी का पुलिंग क्या होगा? जेठानी स्त्रीलिंग है, पुलिंग क्या हो जाएगा? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेठ को बोलते हैं, जेठ है उसका हस्बैंड बोले है ना, जेठ जेठानी। वह जन्म से भिखारी, इस वाक्य में जो से लिखा हुआ है से कौन सा कारक है? से हो जाएगा करण कारक, कौन? करण। देखिए ये वाला सवाल समझिएगा ठीक है। मोहन घर पहुंच गया, इसमें बताइए कौन सा क्रिया है? तो क्रिया के बहुत सारे रूप है यहाँ पे फिलहाल, ऐसे तो दो जानते हैं सकर्मक आक्रमक लेकिन और भी क्रिया के बहुत सारे रूप है, तो हम सबका एग्जाम्पल बताएंगे तो पता चल जाएगा। इसका आंसर होगा संयुक्त, ठीक है। मोहन घर पहुंच गया, वो खा लिया वो पढ़ लिया, इस तरह से पूर्वकालिक बोलते हैं, जैसे कि वह आते ही वो सो गया, ठीक है। इस तरह औद्योगिक कर्मक बोलेंगे जहाँ पे दो काम हो रहे हैं, मैंने सांप को डंडे से मारा, मतलब दो ऑब्जेक्ट वहाँ पे आता है, ठीक है। तो इस पूर्वकालिक समझ गए, वो आते ही सो गया, वो खाना खाकर सो गया, मैं पढ़कर सो गया, श्याम पढ़ के सो गया है ना। द्विकर्मक में दो ऑब्जेक्ट रहेगा, मैंने सांप को डंडे से मारा, तो सांप और डंडे हो गया। प्रेरणाथक से प्रेरणा देता है कि माँ अपनी बेटी को बर्तन धुलवा रही है, माँ अपनी बेटी से बर्तन धुलवा रही है, मतलब प्रेरणा दे रही है उसको, ठीक है। तो इस संयुक्त हो जाएगा इसका आंसर। अवयव के कितने भेद हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार है ना, 41 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, अवयव के चार भेद हैं। मैं रोटी खाता हूँ, देखिए आ गया ना, मैं रोटी खाता हूँ सिंपल है, तो मैं रोटी खाता हूँ ये कौन है? कृत, जिसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं है ना, और कर्मवाची जिसको पैसिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है, मतलब जिसका असर एक्टिव पे पड़े। तो मैं रोटी खाता हूँ सिंपल है, और अगर बोलते लिखा रहता है कि रोटी खाया गया तो क्या होता? कर्मवाच होता है, ठीक है। तो आंसर अनादि में कौन सा समास है? अनादि। तो 43 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष, तत्पुरुष सवाल। ओके चलिए आगे पढ़ते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं, ठीक है। तो एक तो वर्तमान काल के 5 या 3 हैं, मेन तो 5 ही बनी है ना। अब भूतकाल के जो है 6 भेद है, ठीक है, 6 भेद है। आंसर हो जाएगा इसका सी। कौन सा शब्द तद्भव है? लेकिन तत्सम और तद्भव पढ़े होंगे। चलिए तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, पलंग क्या है? तद्भव है। उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? उद्गम या उत्पत्ति है ना, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर पढ़े है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सुजुड़ आगत है ना, सुजुड़ आगत। टन बोल जाना, इसका मुहावरा अर्थ क्या है? तो ऑप्शन होगा मर जाना, मतलब टन बोल गया है ना। अलंकार के कितने भेद हैं? देखिए अलंकार तो 49 का होगा ऑप्शन नंबर डी, दो भेद है, ठीक है। लंबोदर में कौन सा लंबा है जिसके उदर,
पचास का सही ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन बहुबिरी, कशक और एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द। ये सवाल का जवाब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है इसका क्या आंसर होगा, लेकिन जहाँ तक मेरे पास जो आंसर है रामविलास शर्मा होना चाहिए, क्या आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी लगभग सारा सवाल मैं सही बता रहा हूँ। बिरजू महाराज के गुरु कौन है, तो पता आपको, उसकी अम्मी सर माता। ला शतरुज के मतलब क्या है, ईसाई। ला शतरुज क्या है, ईसाई मठ है। मछली पाठ के लेखक कौन है, आपको पता है मछली पाठ के लेखक कौन है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी विनोद कुमार, विनोद कुमार शुक्ल जिसको बोलते हैं। पिकासो क्या, पाब्लो पिकासो, बताया था, एक चित्रकार है, एक बहुत बड़ा चित्रकार है। मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मछली एक मनोवैज्ञानिक कहानी, जो मैं देखते ना बच्चा जो रहता है मछली को ले चल जाता है, मतलब बच्चे के माइंड के बारे में देखता है कि बच्चा मछली के साथ क्या करता है, तो वो जाके मछली को जाके कुएं में जाके डाल देता है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, 57 का ऑप्शन नंबर शारदा। अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग शुरू में जो लगता है, तो अनु हो गया है ना। 58 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कान देना मतलब, मतलब कान दो यार, कान दो मतलब ध्यान दो है ना। शुद्ध शब्द क्या है, यहाँ शुद्ध शब्द आपको चुनना है, उच्छावस लिखा हुआ है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ये देखिए शुद्ध शब्द है। तो चलिए अगला सवाल, अगला सेट पढ़ लेते हैं, तीन सेट पढ़ लेते हैं, ठीक है। मदन किसका पुत्र था, तो ऑप्शन होगा मदन गिरधार लाल का, गिरधर लाल का। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानते थे, जाति प्रथा को, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। जाति प्रथा और श्रम विभाजन साहित्य की कौन सी विद्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निबंध है। कामसूत्र किसकी रचना है, चार का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वात्स्यायन। हिंदी के कवि आदि कवि का नाम क्या है, पाँच का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, ठीक है। पप्पापति किसकी बेटी थी, तो छः का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बली अम्बाल। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है, तो सेवन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अधम है ना। बिजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी, तो आठ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कथक। लेखक ने अवेलियों में रहकर कितने गद्य की रचना की थी, तो नाइन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन 27 है ना, 27 गद्य की रचना की। मछली पाठ के लेखक कौन है, तो 10 का नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। बिस्मिल्ला खां के बचपन का नाम क्या था, पढ़े इसके है ना, तो बिस्मिल्ला खां के बचपन का नाम था करीमुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, 12 का ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू भीमराव अम्बेडकर। तो आंसर हो गया इसका मध्य प्रदेश। आगे पढ़ते हैं, हिंद स्वराज किसकी रचना है, तो आपको पता है हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की रचना है। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1938 में। वारेन हेस्टिंग को कितने सोने के सिक्के मिले थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 का क्या 172। ब्रह्मा का निवास स्थान क्या है, 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हृदय है ना। रसखान किसकी भक्ति करते थे, तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसकी। घनानंद का दूसरा पद किसको संबोधित है, 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बादल को। सुमित्रा नंदन पत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा, 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना, भारत माता को। धूसरता किससे श्रृंगार सजाती है, 21-20 का आंसर हो जाएगा, एक मिनट, 19 का आंसर बी था, 20 का आंसर देखें, और 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिट्टी। हिरोशिमा कविता के कवि कौन है, तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आज्ञे। कुंवर नारायण कैसे कवि है, तो अभी पढ़ चुके कुंवर नारायण छायावादी कवि है ना। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी संवेदना है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, छायावादी कवि दूसरा था वो। हमारी नींद कविता में किसने अपने कोमल सिंगों से ढकेलना शुरू किया, 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो देख रहे हैं जो लिखा हुआ है इसका क्या समझता है, डा में बालक बुद्धा जो है उसको क्या समझता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेटा। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी क्या बनकर तैरते रहने की कामना करता है, तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हंस।
मेरे बिना तुम प्रभु में लहूलुहान कौन भटके। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। दैत्य विश्वास के रचयिता कौन है। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातकोहली होता। गुण निधि कहाँ से लौटा था। ऑप्शन नंबर ए कटक। पप्पापति की उम्र क्या थी। ऑप्शन नंबर डी 12 साल। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है। तो 32 का आंसर हो जाएगा सांवर दैया, बहुत इंपॉर्टेंट। टगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पप्पापति। ओके आंसर नंबर बी। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी किस करने के लिए किसको भेजा। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दैत्य विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानंद। संज्ञा के कितने भेद आपको पता है। संज्ञा के 5 भेद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई आ रहा है, पता ही नहीं चला कौन आ रहा। अनिश्चय वाचक। रामचरितमानस में अनेक मार्मिक प्रसंग आए हैं, इस वाक्य में विशेष पद क्या है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्मिक। क्रिया के कितने भेद हैं, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो मूल रूप से क्रिया के दो ही भेद हैं, कर्मक अकर्मक, सकर्मक अकर्मक। वर्तमान काल के कितने भेद अभी पढ़ चुके। 5। बंदर पेड़ पर बैठा, इस वाक्य में पर जो लिखो पर वो क्या है, अधिकरण। क्या है, अधिकरण। ओके। रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, है ना। 3 भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौग रूढ़। ठीक है। नदी और इस क्या है, दीर्घ संधि है। मूक का विलोम क्या हो जाएगा, वाचाल। मूक मतलब चुपचाप, वाचाल मतलब बकवास करते रहना। अष्ट धातु में कौन सा समास है, अष्ट धातु, है ना। तो 45 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिग्गू। क्या हो जाएगा, दिग्गू। गुदड़ी का लाल, ये तो पढ़ चुके। निर्धन परिवार में एक गुनी का जन्म होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शब्दों का शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द देखिए ऑप्शन नंबर सी, हितैषी। विश्वव्याधि बोधक क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर ए। उपसर्ग किसी शब्द में कहाँ जुड़कर उसका अर्थ बदलता है। तो उपसर्ग शुरू में पहले जुड़ता है। ये जो दिया हुआ ये विसर्ग, इसकी आवाज़ निकलते तो विसर्ग, अतः तो हकंठ से आवाज़ निकलता है। रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा एक जुआरी था। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य और उक्ति। यथाशक्ति कौन सा समास है, अव्यय समास हो जाएगा। 53 का आंसर नंबर सी। कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन। मंगम्मा की बहू का क्या नाम है, नजम्मा, है ना। 55 का आंसर नंबर ए। रसखान किसकी भक्ति करता था, अभी पढ़े डबल सवाल आगे कृष्ण की। हमारी नींद में किसका प्रतीक है। तो नींद जो है वो गफलत। अवयव के कितने भेद, 4 भेद पढ़ चुके हैं, है ना। वाणी कब विष के समान होता है, तो राम बिना, राम नाम के बिना। घनानंद के भाषा क्या था, तो वज्र भाषा था शायद, यही पढ़े वज्र भाषा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे मैं 3 सेट लाया, 3 सेट में बहुत सारा कुछ कुछ सवाल टैली कर रहा था, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ याद होगा। इतना पहले तो बहुत काफ़ी, आप पहले से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही हेल्प करेगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। लगभग लगभग सवाल मैं सही बताया हूँ, आंसर एक दो में मे भी मिस्टेक हुआ हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, इसके लिए सॉरी, है ना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय।